हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 का बेसिक देख दिया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमने, फर्स्ट की बात करते हैं। पहले दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं, ये बताना है हमें कौन कौन से समुच्चय हैं, और अपने उत्तर का कारण भी बताना है कि समुच्चय क्यों नहीं है या समुच्चय क्यों। फर्स्ट है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह हम कर सकते हैं जनवरी, फिर उसके बाद इसमें जून, फिर जुलाई, यही जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो यहां पर ये सारे क्या है, सूचीबद्ध है, यहाँ पर इनका हम संग्रह कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा समुच्चय, जिसका हम संग्रह या कलेक्शन नहीं कर सकते वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह का, तो ये एक क्या है, सेट है या समुच्चय। सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों, भारत के सबसे अधिक, अब देखो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का इसमें बोल रखा है, तो हम इनका संग्रह नहीं कर सकते। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई मानक पैमाना नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा ज्यादा प्रतिभाशाली है। ठीक है, इसका मानक पैमाना नहीं है, भी कोई लेकर प्रतिभाशाली है या नहीं इसका हमें पता नहीं है, नहीं इसका कोई मानक पैमाना है कि ये ही लेखक प्रतिभाशाली, तो ये एक समुच्चय नहीं। तो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय नहीं। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, 11 बल्लेबाजों का संग्रह, और वो भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी कोई मानक पैमाना नहीं है, हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है या कौन सा नहीं, तो ये भी एक समुच्चय नहीं। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये संग्रह हम कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा में बालक कितने होंगे, 10, 20, 50, 30, इस प्रकार से कितने भी हो सकते हैं, तो उनका संग्रह हम इकट्ठा कलेक्शन कर सकते हैं, हम सभी को हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये क्या है, समुच्चय। सिर्फ यही पूछा उसमें समुच्चय है या नहीं, नहीं है तो वो क्यों नहीं, कक्षा के बल इसमें बालकों का संग्रह हम कर सकते हैं, तो ये क्या है, समुच्चय। नेक्स्ट, 100 से कम सभी प्राकृत, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो देखो 100 से कम, तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये 99 तक होगी। ठीक है, 100 से कम बोले तो इनका हम संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा इनको कलेक्शन में लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक समुच्चय, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, समुच्चय। नेक्स्ट, 6 दिया है इसमें, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित तो, उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास जो है फिक्स है हमने, ठीक है, तो वो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, सभी उपन्यास इसके लिए सकते हैं, तो ये हमारा एक क्या हो गया, समुच्चय हो गया, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे जो भी उपन्यास हैं
वो मेन मेन है यहाँ पर, तो उनकी हम वैल्यू यहाँ पर जो भी उनके संग्रह है या जो भी उनके उपन्यास है उनको हम यहाँ पर एक सेट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक हमारा क्या होगा समुच्चय। नेक्स्ट, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सभी सम पूर्णांक 2, 4, 6 इस प्रकार से होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा इनका, तो इसका अर्थ हम 2 से जो भी सम पूर्णांक है उनका संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होंगे, 2 से डिवाइड ही होंगे, ठीक है। तो सभी हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें यहां इसके है कहां तक होंगे अनंत तक, लेकिन इनका कलेक्शन तो कर ही सकते हैं। तो ये एक हमारा क्या होगा समुच्चय होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है। फिर नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न क्या होंगे, अलग अलग होंगे और सभी सुपरिभाषित होंगे, तो ये भी हमारा एक समुच्चय है। फिर नेक्स्ट, विषम के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जानवर कौन सा खतरनाक है, ये इसका भी कोई मानक पैमाना नहीं है, कौन सा सबसे अधिक खतरनाक है यह, ठीक है, इसका भी कोई पैमाना नहीं है मानक पैमाना। तो इसका संग्रह हम जानवरों का, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते, इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए इक्वल समुच्चय दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रेखा स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स या नॉट बिलोंग, इसका अर्थ है बिलोंग्स टू और इसका अर्थ है नॉट बिलोंग्स। ठीक है, इनको बनना है अपने, जैसे फर्स्ट लिए 5 तो 5 इस ए में है तो ये इसमें बिलोंग करता है, इसी प्रकार से 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 यहां पर ए में नहीं है तो ये इसलिए बिलोंग नहीं करता। तो इस प्रकार से इस सेकंड क्वेश्चन को आपने करना है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना। क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर। फर्स्ट दिया है इसमें एक पर एक्स एक्स एक पूर्णांक है, एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है। क्या बोल दिया, एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है। फिर आगे इसने दिया है और -3 से बड़ा है एक्स और छोटा है 7। एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, ये कोलन का साइन होता है, ये बताया है इसमें बेसिक में, एक्स एक पूर्णांक का और -3 से बड़ा एक्स और छोटा है 7। रोस्टर रूप इसका क्या लिखा, इक्वल -3 से बड़ा है एक्स, यानी -3 से बड़ा है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर। नेक्स्ट सेकंड बोला है इसमें b इक्वल में एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, नेचुरल एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमारी
एक से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या हमारी कहां स्टार्ट होती है, एक से। एक्स छह से कम एक प्राकृत संख्या है तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये इसका क्या होगा रोस्टर। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिया है एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, इक्वल एक्स कोलन एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल कितना है 8 है। कि कितने अंकों की संख्या है, दो अंकों की, और यहां पर सी इक्वल रोस्टर रूप क्या आएगा, यहां पर दो अंकों की संख्या होगी वो भी प्राकृत संख्या होगी और जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो यहां पर पहली क्या आ जाएगी 17, फिर 26, 35, 44, 53, 62, 71 और क्या आ जाएगी इसमें 80। तो ये दो अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं और इनका योगफल करें अंकों का तो कितना बन रहा है 8 बन रहा है। फिर नेक्स्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, डी इक्वल एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक। तो देखो यहां पर एक्स एक एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य का अर्थ है उस अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उसका खुद का या एक का भाग है वो अभाज्य संख्या होती है। 60 की भाजक है तो 2 का भाग इसमें जा रहा है 60 में और 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या 60 में भाग जाए, 5 भी है अभाज्य संख्या, 7 भी है अभाज्य संख्या लेकिन 7 का 60 में भाग नहीं जाता, फिर उसके बाद 11 का भी नहीं जाता, तो हमारे पास क्या आएगा रोस्टर रूप इसका 2 3 5। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, फिफ्थ दिया है इसमें इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इक्वल ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, यही दिया इसमें, तो इक्वल इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो रोस्टर रूप में आपको क्या आता है वह मंजिले ब्रैकेट में लिखा जाता है कोमा लगा के और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर टी आ गया पहले फिर आ आई जी ओ फिर उसके बाद एन ओ वापिस नहीं आएगा क्योंकि पहले ही आ गया एम फिर ई टी पहले ही आ चुका है हमारे पास आर भी आ चुका है वाई, तो ये इसका क्या हो गया समुच्चय। अब उसके बाद सिक्स्थ दिया है इसमें एफ इक्वल बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो एफ इक्वल बी फिर ई उसके बाद टी टी वापिस रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं लिखना, ई यहां पर रिपीट हो रहा है ये नहीं लिखना, तो आ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का ये समुच्चय हो। इसमें आपको रोस्टर रूप में बताया हुआ है मंजिले ब्रैकेट में लिखोगे कोमा लगा के कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करने, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।